कनाडा में हुए आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि इस बार भी लिबरल पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा। इस बार के नतीजे भी दो साल पहले के परिणाम की तर्ज पर ही आए हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 157 सीटों पर जीत हासिल की है। साल 2019 में भी लिबरल पार्टी को इतनी ही सीटें मिली थी। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत पड़ती है, यानी इस बार भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गठबंधन के दम पर ही अपनी सरकार चलाएंगे। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटों पर जीत मिली है। साल 2019 में भी कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी ही सीटों पर जीत मिली थी, जबकि वामपंथी न्यू डेमोक्रेट्स ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछली बार की तुलना में इस बार न्यू डेमोक्रेट्स को 5 सीटों का फायदा हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना के नाम पर एक कहते हुए समय से पहले चुनाव करवाने का ऐलान किया था कि वो महामारी के बाद आगे की राह तय करने के बारे में मतदाताओं की राय जानना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये चुनाव संसद में बहुमत हासिल करने के इरादे से करवाया, लेकिन वो सफल नहीं रहे।